अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। और आज सुबह को इस तरह हुआ था कि मैं और मेरे हस्बैंड गए थे चिकन लेने को, चिकन का मीट लेना था, और उसके साथ हम लेकर आए थे पराठे। और मैं नाश्ता भी बना रही हूँ, मेरा मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी हेल्पर जो है ना उसका भी मैं बनाती हूँ। तो बस हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना, उसके बाद जो है ना मेरे सिस्टर्स और मेरे भाई आएंगे। अब ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ आज और जो कल भी अपलोड करूँगी, कल नहीं आई मीन की डे आफ्टर टुमारो जो अपलोड होगी ना, वो दोनों जब मेरे भाई सऊदी गए थे ना उससे पहले थे। फॉर योर रिक्वेस्ट के मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोग देखना चाहते हैं, एंड थैंक यू कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है एंड यू गाइस वांट टू वॉच मेरी लास्ट वीडियोस जो मैंने वीडियोस बना के रखी थी और अपलोड ना कर सकी फॉर सम रीजंस। तो थैंक यू, आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई और आप लोग देखना चाहते हैं वो वीडियोस, तो इसलिए मैं आज एंड आफ्टर टू डेज मींस कल नहीं डे आफ्टर टुमारो जो है ना इंशाल्लाह सेकंड पार्ट अपलोड करूंगी, क्योंकि ये दोनों वीडियोस अगर मिक्स करूंगी ना तो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग देख के यू नो बोर हो जाएंगे। सो इसलिए मैंने जो है ना दो पार्ट में किए हैं, और मैं खुद कोशिश करती हूँ मेरी वीडियोस जो है ना अंडर 10 मिनट्स की हो, क्योंकि जब वीडियोस लंबी हो जाती है ना तो देखने वाले को यू नो बोरिंग लगती है। तो इसलिए जो है ना मैं कोशिश करती हूँ मेरी वीडियोस अंडर 10 मिनट्स के हो। कभी कभी क्रॉस कर जाती है, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ अंतर ही 10 मिनट्स हो तो ज़्यादा सही होता है। एनीवे, तो इस तरह हुआ था कि ये जो वीडियो है ना मैंने उस वक्त बनाई थी जब मेरे भाई के लास्ट दावत की थी मेरे घर पर, क्योंकि डे आफ्टर टुमॉर्स को जाना था सऊदी, तो इसलिए मैंने जो है ना 2 दिन पहले मैंने उसकी दावत की थी। अच्छा, थैंक यू, मुझे आप लोगों का लास्ट वीडियो का रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं अपने आप से बातें करती हूँ, लेकिन जब आप लोगों का कमेंट आता है तो मुझे इस तरह लगता है कि मैंने आप लोगों से बात करी, आप लोगों ने मुझे रिप्लाई किया। जिस तरह नहीं होता कि SMS में कोई किसी को भी मैसेज करो वो रिप्लाई करता है, लेकिन जब रिप्लाई आता है ना तो यू फील यू नो इंटरेस्टिंग, मुझे इस तरह फील होता है कि आप लोग भी मुझसे बातें करते हैं। एनीवे, उसके बाद ये हुआ कि मेरे सिस्टर्स आ गए, और उसके बाद जो है ना मैं किचन में गई नहीं हूँ, सारा काम सिस्टर ने किया था। और हाँ, भाभी ने भी साथ बहुत हेल्प की थी, जो बर्तन थे ना सारे के सारे भाभी ने वॉश किए थे। और मैंने जो है ना सिर्फ और सिर्फ चाय बनाई थी, वो भी आप लोगों के वीडियो के एंड में नजर आएगा। और उसके बाद हमने लंच किया था, लंच के बाद जो है ना हम गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि भाभी को कुछ सामान लेने थे और भाई को भी कुछ लेना था। तो बस मैं जो है ना बस विंडो शॉपिंग के लिए जाती, कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मैं जो है ना विंडो शॉपिंग करती हूँ पर कुछ ना कुछ ले लेती हूँ ना, पर इस दफ़ा बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ।
एवरीवन, तो शॉपिंग करते करते शाम हो गई, उसके बाद हम वापस घर आ गए और मेरी सिस्टर जो है ना ये ऑर्डर दिया था सम्बोसास और केक का। वैसे भी स्टमच फुल था लेकिन स्वीट की तो अशद ज़रूरत है क्योंकि जब मैं टायर्ड हो रही ना तो मुझे ये स्वीट्स लाजमी खाने होते हैं। तो मेरी सिस्टर ने ये केक ऑर्डर किया, ये तो केक बहुत ही यम्मी है। एनीवे उसके साथ जो है ना मैंने चाय बनाई थी शाम की, जो आप लोगों ने पहली चाय देखी थी ना वो मेरे सिस्टर ने बनाई थी और मैं जो है ना सिर्फ शाम की चाय बनाई थी, पूरे दिन में सिर्फ यही काम किया था। एनीवे तो आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म कर देती हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।